उदाहरण एक, पासों के एक जोड़े को एक बार फेंकने के परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कर उसके प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या लिखिए। पासों के जोड़े को एक बार फेंकने के परीक्षण में प्रतिदर्श समष्टि S हो तो S इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुना 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो है दो पासों को एक बार फेंकने पर, दो पासों को एक साथ एक फेंक हेतु प्रतिदर समष्टि, ये जरूर लिखें जब आप हल करें तो इसको हम गुना के नियम से हम इसके लिए प्रतिदर समष्टि बना सकते हैं। तो बच्चों देखिए आप कैसे करेंगे इसको, पहले हम जैसे ये पहले पासा के लिए है और ये दूसरे पासा के लिए है, तो पहले पासे का हम पहला अवयव एक लेते हैं और इनके साथ हम क्रमशः दूसरे पासे के सभी अवयवों के साथ युग्म बनाते हैं इस प्रकार से, और इसको हम क्रमशः लिखेंगे। तो इसमें हमको मिलेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 इसको कामा लगाते हुए पृथक कर देंगे। फिर उसके बाद हम इनका दूसरा अवयव लेंगे 2 और इन्हीं के साथ हम दोहराएंगे, युग्म बनाएंगे 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। फिर 3 के साथ 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। फिर 4 के साथ 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। फिर हम 5 के साथ युग्म बनाएंगे 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। फिर लास्ट, पहले सिक्के का लास्ट जो संख्या है 6 के साथ इन सभी का हम युग्म बना देंगे 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। इस प्रकार से सभी युग्म बनाकर यहाँ लिखेंगे और कोष्ठक बंद कर देंगे। अब यदि हम इसको गिनेंगे तो इस प्रकार से हमने क्रमशः लिखा है इस प्रकार, और गिनेंगे तो ये आपको 36 मिलेंगे। तो इस 36 को प्राप्त करने के लिए हम एक तरीका लिख सकते हैं कि पहले पासे पर प्रतिदर्श बिंदु की संख्या 6 है और दूसरे पासे पर प्रतिदर्श बिंदु की संख्या 6 है, तो दोनों पासों को हम एक साथ एक फेंक करेंगे। इस प्रकार कुल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या 36 है। तो हम इसको एन एस बराबर 36 लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको व्याख्या करेंगे और सीखेंगे। चूंकि एक पासा कि एक फेंक में कि एक
हेक में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या, प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या बराबर 6। तो इसलिए दो पासों की एक फेंक में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या, तो हम जैसे कि यहां पर इस प्रश्न में आपने दो पासों को साथ साथ एक फेंक किया, तो हम इसको लिख सकते हैं 6×6 अर्थात 36। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं दो पासों के साथ साथ एक फेंक में कुल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या 6 का स्क्वायर अर्थात 36। अब मान लीजिए हम पासों की संख्या को बढ़ाते हैं, तीन पासों को साथ साथ एक फेंक करते हैं, तो हम इसको यहां पर याद रख लें नोट के रूप में कि तीन पासों को एक साथ एक फेंक का प्रयोग करें तो उसमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या, प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या लिख सकते हैं 6×6×6 अर्थात 6 का क्यूब, और इसी प्रकार से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं।